हेलो दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको जैसे हम प्लास्टर करते हैं, वैसे प्लास्टिक की क्वालिटी दिखाऊंगा किस तरीके से पैराप्ट के अंदर प्लास्टर करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं दिखाऊंगा जैसे हम धार बनाते हैं और एक साधन जो धार बनाते हैं उसकी क्वालिटी और इसकी जो फिनिशिंग होती है किस तरीके की आती है। तो थोड़ा सा मैं कहाँ लेके किसी आगे बस, तो मैं दिखाऊंगा जैसे हम धार और प्लास्टर एक साथ में बनने में कितना फ़र्क आता है, कैसा देखने में लगता है प्लास्टर। तो कभी भी आप जैसे प्लास्टर कर रहे हैं तो धार, ये धार और साड़ी की धार एक साथ में बननी चाहिए, उसकी क्वालिटी अलग आती है, उसकी जॉइंट भी अच्छा मिलता है। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक दिखाऊंगा मैं, तो मैं जो सारी जो पैराफ्ट हमारे पास हुआ वो भी दिखाऊंगा, किस तरीके से उस पर प्लास्टर हुआ है सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट देखें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। रुक ले बैठा हुआ तो तुम्हारा पे हुआ आ गया तो अरे जा 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 क्या तुम्हें पूरी दिन ये गाना सुनना है? तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा प्लास्टर जैसे पैराफुट का, तो इसमें मैंने इसमें प्लास्टर किया है जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर जैसे हम एक साथ में अगर प्लास्टर करते हैं उसकी क्वालिटी अलग आती है, और अगर हम जॉइंट के हिसाब से जैसे प्लास्टर करेंगे तो उसमें फ़र्क आता है। तो आपने देखा होगा जैसे कहीं कहीं मिस्त्री कुछ छोड़ देते हैं, उसको धारों को छोड़ देते हैं, तो उसको वैसे छोड़ना नहीं चाहिए धारों को, वैसे क्यों उसकी जो क्वालिटी प्लास्टर की क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो हमने ये पैराफुट का प्लास्टर किया है तो इसमें एक साथ में किया है, क्यों उसकी जो इसकी जो हमारी जो प्लास्टिक के जो जॉइंट होते हैं उसके साथ में साथ करते हैं तो उसमें हमारी जो जॉइंटों की मजबूती है बहुत अच्छी मिलती है। तो इसमें हमारा जो पैराफुट है और इसमें जो प्लास्टर जो हुआ है उसकी मैं करीब बताता हूँ, जैसे हमारा जो देख रहे हैं इस क्वालिटी की, तो इसमें क्या है हमारा जो धार बनाई गई है तो उसमें धार भी एकदम सही तरीके से और मतलब सही तरीके में बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है और इसमें गुरमाला भी मारी गई है, तो उससे क्या अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, तो इसी तरीके की आप लेके आएँ और इसी तरीके की बनाएँ, इसी तरीके का प्लास्टर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर जैसे किस तरीके का प्लास्टर है हमारा कम्प्लीट हो चुका है, तो इसी तरीके का प्लास्टर होना चाहिए दोस्तों। तो क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आती है, तो जैसे साथ के साथ में अगर जैसे आप देख रहे हैं अगर ऊपर का हम टॉप बना रहे हैं, इसका जो टॉप बना रहे हैं तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें कमी क्या है। तो इसमें जो हमने प्लास्टर किया है तो आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी निकल के आ रही है, तो इसी तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों आपने देखा होगा धार छोड़ देते हैं उसकी जो मेंटेनेंस बिगड़ जाती है, इसकी जो क्वालिटी नहीं आती है, तो इस तरीके की क्वालिटी बन के आनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।